अब है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड जो होता है वो स्ट्रक्चर में चेंज करता है, ये टेबल के रोज से ताल्लुक नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि मैं अब टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता हूँ, टेबल के कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, उसके डेटा टाइप्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो ये हम मॉडिफिकेशन करेंगे स्ट्रक्चर पे। ये ध्यान रखेगा ये डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। तो अगर हमको एक नया कॉलम जोड़ना है, नया कॉलम तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं टेबल का आप, तो ऑल्टर करेंगे यहाँ पर। आपके पास कोई कॉलम है, आप उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको हटाना चाहेंगे, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहिए, उसके लिए आप यूज करेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के लिए कैसे यूज करते हैं, ऑल्टर करेंगे टेबल करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे, एड मॉडिफाइड ड्रॉप जो भी आपको करना है साथ में कॉलम नेम लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ऐड करना है एक नया कॉलम जिसको आप कह रहे हैं टोटल फीस, इसकी प्रिसीशन ये होना चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि ये फ्लोटिंग टाइप का है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक पूरा एक कॉलम जोड़ना है, इस कॉलम का नाम आप टोटल फीस रखना चाहते हैं, टीएफ कर देता हूं। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस टेबल को चेंज करना है, ऐड करेंगे टोटल फीस, ये कॉलम जुड़ेगा ऐड टोटल फीस के नाम से, और इसका डेटा टाइप अपने यहां स्पेसिफाई कर दिया। अब आप चाहते हैं नहीं साहब ये 10.2 गलत हो गया, किसी ने कहा नहीं 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 इसको तो 12.2 करिए, इसकी प्रिसीशन ज्यादा होगा, तो आप ऑल्टर टेबल करिए बिल्कुल सेम इसी स्टूडेंट को, मॉडिफाई करेंगे यहां पर टोटल फीस को, इस कॉलम में मॉडिफिकेशन होगा, इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा, यानी इसका प्रिसीशन चेंज होगा। आप कहते हैं नहीं ये तो गलत हो गया, टोटल फीस तो जोड़नी नहीं थी, इसको हटाइए, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप टोटल फीस, ये कॉलम पूरा का पूरा हट जाएगा, इट विल गो।